अमेरिका में होने जा रहा है AAU जूनियर ओलंपिक रोप स्कीपिंग खेल में दुर्ग ग्रामीण से एक और दुर्ग शहर से दो खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है, जो छत्तीसगढ़ से भारत का प्रतिनिधित्व अमेरिका में करेंगे। रोप स्कीपिंग या रस्सी कूद, यह खेल आपने भी अपने बचपन में गली मोहल्ले में खूब खेला होगा, लेकिन आज आधुनिक दुनिया में इस रस्सी कूद के खेल को काफ़ी तवज्जो मिलने लगी है। इसका जीता जागता उदाहरण है अमेरिका में होने जा रहे AAU का जूनियर ओलंपिक। और अगर बात खेल की करें तो भला दुर्ग जिला इससे कैसे पीछे रह सकता है। इंडियन रोप स्कीपिंग फेडरेशन द्वारा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से तीन खिलाड़ी हिमांशु, हर्ष और तुषार का चयन अमेरिका में होने जा रहे जूनियर ओलंपिक के लिए किया गया है। और तीनों ही खिलाड़ी जी जान से मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका तक पहुंचने, रहने खाने की व्यवस्था में लगभग 4 लाख रुपए प्रत्येक खिलाड़ी का खर्च आएगा, जो कि इन खिलाड़ियों के पास फिलहाल नहीं है। सहायता की चाह रख खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव से भी मुलाकात की और खिलाड़ियों को मदद करने का आश्वासन भी मिला है। छत्तीसगढ़ में अभी मैं लगभग 9 वर्ष से छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, और अभी जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उसमें से 3 खिलाड़ी, मैं खुद भी एक खिलाड़ी हूं और मेरा खुद भी चयन हुआ है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में। 3 खिलाड़ियों में से मेरा एक नाम शामिल है। मेरा नाम हिमांशु मानिकपुरी है, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, वर्ल्ड में मेरा 5th रैंक है। मेरे छोटे भाई का नाम हर्ष मानिकपुरी है, वो ऑलरेडी ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए इसके पहले लेके आ चुका है। और तीसरे खिलाड़ी का नाम जो इस बार पहली बार चयन हुआ है, उसका नाम तुषार यादव है, वो एक गांव से है बच्चा, अंडा गांव विनायकपुर दुर्ग जिले। और क्या कुछ खर्चा आने वाला है आप लोग के इसके? एक खिलाड़ी के पीछे तकरीबन 4 लाख का खर्चा है, और हम छत्तीसगढ़ शासन से ही मांग किए हैं कि छत्तीसगढ़ शासन हमें ये राशि प्रदान करें, ताकि हम अपने राज्य को और अपने मतलब भविष्य में इस गेम को बढ़ा पाएँ। और ये जो गेम है रस्सी कूद, हिंदी में इसे रस्सी कूद कहा जाता है, रस्सी कूद को सब लोग नहीं समझ पाते। रस्सी कूद सबको लगता है कि आसानी वाला गेम है, बट मैं लोगों को ये ज़रूर दिखाना चाहूँगा कुछ समय बाद कि ये एक बेसिक गेम नहीं है, ये बहुत ही। सहायता के लिए किससे किससे मुलाकात? सहायता के लिए माननीय गृह मंत्री जी ताम्रध्वज साहू जी से, और हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय देवेंद्र यादव जी से। क्या कुछ आश्वासन मिला आप लोग? उन्होंने कहा कि वो CM साहब को चिट्ठी लिखेंगे और उनके द्वारा सहायता उन्हें हमें प्रदान की जाएगी। कब तक आखिरी डेट आप लोगों को कब तक निकालना है, और क्या पैसा नहीं हुआ पाया तो आप लोग नहीं जा पाएंगे? नहीं, अगर हमारे पास 12 लाख, हमको तीनों को 12 लाख रुपए की ज़रूरत है, एक खिलाड़ी के पीछे 4 लाख रुपए की राशि लग रही है, अगर हमको 12 तारीख तक पैसे नहीं मिले तो हम अंतर्राष्ट्रीय के लिए छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व और इंडिया का प्रतिनिधित्व नहीं करते। मेरा नाम तुषार यादव है। कौन सा गेम खेलते हो और कहाँ जा रहे हो? इसकी भी गेम खेलता हूँ, मैं अभी अमेरिका जाने वाला हूँ। कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत खुशी हो रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। आपका कभी पहले गए हो भारत से बाहर? मैं पहली बार जा रहा हूँ अभी अमेरिका। अब भारत में कहाँ कहाँ घूमे? और कहीं नहीं गया था। छत्तीसगढ़ के बाहर कभी गए हो? नहीं गए। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुभद्रा सिंह ने खिलाड़ियों से मुलाकात की, वहीं अमेरिका जाने वाले तीनों खिलाड़ियों को अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। अंशु मानिकपुरी मेरे पास काफी समय से आ रहा है, हमारे सेक्टर 7 का बच्चा है, और निश्चित तौर पर रोप स्पीकिंग जो खेल रहा है वो काफी अच्छा नाम किया है। उसके छोटा भाई उससे भी अच्छा खेलने लगा है, और कोचिंग करके वो छोटा सा बच्चा हर लोग से मदद लेता है। और मैं चाहती हूँ कि अपनी जो राज्य सरकार है वो उनकी अच्छे से मदद करे। हर खेल में मदद होता है, तो इस खेल में भी मेरे हिसाब से मदद होना चाहिए, क्योंकि बाहरी राज्य जैसे कि आपका दिल्ली और बाकी राज्य हैं, वहाँ काफ़ी ज़्यादा इस खेल को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस खेल को बढ़ावा देना चाहिए। और अभी कुछ बच्चे हमारे बाहर जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, उनकी भी मदद होनी चाहिए राज्य सरकार द्वारा। मैं भी चाहूँगी कि हमारे जो खेल मंत्री हैं हमारे उमेश पटेल जी, उनसे भी निवेदन करना चाहूँगी कि वो इनकी मदद करें और ये बच्चे आगे जाएं। निश्चित तौर पर हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य हैं ये, और इनको संवारना और सजाना हमारा कर्तव्य है। आप सभी बच्चों को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। अमेरिका तक पहुंचने का सफर जितना लंबा है, उतना ही लंबा सफर खिलाड़ियों के पैसा जुगत करने का भी है। अब देखना होगा कि खिलाड़ियों को भारत का गौरव बढ़ाने और अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल पाता है अथवा नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए रॉबिन मल्ल ठाकुर की रिपोर्ट।